कि तुम दिन दहाड़े अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करते हो, वो फिर भी तुम्हें खिलाता है। अल्लाह ताला काफिरों को भी रिज़्क देता है, मुसलमानों को भी रिज़्क देता है। तुम अल्लाह को अपनी जिंदगियों से निकाल भी दोगे, वो तब भी तुम्हें पालेगा। अपने गुनाहों को मत देखोगे कितने छोटे हैं, उस रब को देखो वो कितना बड़ा है, कितने बड़े रब की तुमने नाफरमानी की है। सवाल पहले ये है, इसके बावजूद मुझे वो नेमतें दिया चले जा रहे हैं, दिया चले जा। इतने गुनाहों के साथ तो मुझे तो हलाक हो जाना चाहिए था। अपने गुनाहों पे नजर डालो अपनी नेमतों के साथ, कि तुम दिन दहाड़े अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर, इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी करते हो, वो फिर भी तुम्हें खिलाता है, वो फिर भी तुम्हें खिलाता है। सबसे ज्यादा सबर करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल है। लोग उसको गालियां देता है, वो उनको पालता है। लोग उसके साथ शिर्क करते हैं, शरीक बनाते हैं, और अल्लाह ताला उनका रिस्क नहीं रोकता। अल्लाह ताला काफिरों को भी रिस्क देता है, मुसलमानों को भी रिस्क देता है। तुम अल्लाह को अपनी जिंदगियों से निकाल भी दोगे, वो तब भी तुम्हें पालेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा पहला गुनाह सरजद हो तुम्हारे जिस्म के साथ और आसमान से बिजलियां गिरे और तुम हलाक हो जाओ। हो जाना चाहिए था। अपने गुनाहों को मत देखोगे कितने छोटे हैं, उस रब को देखो वो कितना बड़ा है, कितने बड़े रब की तुमने नाफरमानी की है। लेकिन उसके बावजूद हिसाब किताब तो बाद में है, अजाब तो बाद में है। सवाल पहले ये है, इसके बावजूद मुझे वो नेमतें दिया चले जा रहे हैं, दिया चले जा। नेमतों को देखो और अपने गुनाहों को देखो और अपना देखो कि तो क्या तुम इसके मुस्तहिक थे या नहीं थे। तुम्हारा दिल बोलेगा नहीं, अल्लाह की कसम मैं मुस्तहिक नहीं था। हया पैदा होगी दिल के अंदर, क्या नमाजों के अंदर कमजोरियां होंगी, क्या दिलों के अंदर वो खयानतें होंगी, क्या आमाल के अंदर वो गुनाहगारी की जिंदगी होगी। उसके बावजूद अल्लाह नेमतें नहीं रोक रहा। सांस चल रही है, सेहत जारी है, माल आ रहा है, औलाद चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अल्लाह ताला का एहसान है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है। तुम्हारा हिसाब नहीं बनता था, तुम मुस्तहिक नहीं थे उसके।